दिखेगा इवेंचुअल इंपैक्ट और कंसर्न्स के चलते हम देख रहे हैं, लेकिन 18-100 के पार जब हमने कल अच्छे खासे एक्शन के साथ 18-200 के लेवल्स को भी टच बेस करने की कोशिश की, इस वक्त उम्मीद है कि 18-100 के ही आसपास बाजार की शुरुआत होती दिखेगी और खुले हैं बाजार 18-100 के बिल्कुल नजदीक। करीब 62 अंकों की कमजोरी जरूर है, लेकिन निफ्टी में हम देख रहे हैं 18,088 के लेवल्स पर, 200 अंकों की बिकवाली 43,143 के लेवल्स पर आप देखेंगे। बैंक निफ्टी में करीब 0.5% की बिकवाली के साथ शुरुआत होती हुई, इस वक्त एक म्यूटेड स्टार्ट द मार्केट। मिड कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बिल्कुल इक्वल नजर आएंगे, जहां 700 एडवांसेस है वहीं 700-750 डिक्लाइंस भी हैं, तो यहां पर देखना होगा बाजार को। इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स जिस तरह से कहते हैं फर्स्ट हाफ में तो वॉच आउट ही करना चाहिए। कंपनी के नतीजे आ जाने वाले, नतीजों से ठीक पहले हरे निशान के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। उम्मीद यही है कि टाइटन के स्टॉक प्राइस में यहां से और मजबूती आएगी क्योंकि नतीजों के अनुमान पॉजिटिव है। डिफेंसिव एज प्ले आउट कर रहे हैं, सिप्ला के चार्ट्स को देखें अच्छी मजबूती के बीच यहां पर कामकाज देखेंगे। कंजम्पशन में एचयूएल का काउंटर अच्छी तेजी के साथ खुलता हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट आज परफॉर्म कर रहा है, अंबुजा सीमेंट कल अच्छे नतीजे आए थे, नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं इस वक्त सेंटिमेंट जो डेवलप होते हुए सीमेंट पैक में, चाहे फिर वो मिड कैप प्लेयर्स हो या फिर हैवी वेट्स हो। इस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पेंट स्टॉक्स की तरफ से क्रूड करेक्शन का एक इंपैक्ट पेंट पर बिल्कुल पड़ता हुआ, भारतीय एयरटेल और साथ ही इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड। अच्छा बिकवाली कहां से आ रही, बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी है, हैवीवेट्स आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इन्फोसिस रिलायंस टीसीएस और एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि लाल निशान के साथ इस वक्त कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील के चार्ट्स को एक बार देखते हैं क्योंकि कल कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, बाजार बंद होने के बाद और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, एक इंपैक्ट जरूर दिख रहा है। ऑफकोर्स बाजार का म्यूटेड स्टार्ट है, उसी के चलते कोई क्लियर डायरेक्शन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में भी इस वक्त नजर नहीं आएगा, लेकिन हल्की हल्की मजबूती जहां अच्छे नतीजे आए उनके बल पर स्टॉक स्पेसिफिक नजर आ रही है। और अगर मेटल पैक में देखेंगे टाटा स्टील के अलावा हिंडाल्को जैसे चार्ट्स हैं जो कि बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं, तो क्लियरली यहां पर हम देख रहे हैं म्यूटेड स्टार्ट टू द मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं लेकिन क्लियर डायरेक्शन इस वक्त स्टॉक्स पर भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मिड कैप के प्लेयर्स एक बार जानते हैं मानसी की क्या हो रहा है। एक्चुअली बड़े ट्रेड जो दिख रहे हैं ना आपको वो तो क्रूड डेरिवेटिव्स के दिख रहे हैं, ऑल मार्केटिंग काउंटर्स हो, पेंट काउंटर्स हो और साथ ही इंडिगो का वो जो रब ऑफ आपको गो फर्स्ट में दिख रहा है, वहां तो आपको क्लियर ट्रेड दिख रहे हैं। और इनफैक्ट पैकेजिंग कॉस्ट के चलते शायद एफएमसीजी, सो ये जो क्रूड डेरिवेटिव्स के डायरेक्ट ट्रेड है वो क्लियरली प्ले आउट हो रहे हैं और आपको मिड कैप में भी बहुत हद तक वो वाले प्लेस दिख रहे हैं। सो मिड कैप में जो बड़े स्टॉक्स हैं उसमें आपको समा कूलर्स में वरुण बेवरेजेस जैसे, ऑयल मार्केटिंग आपको रिटेल में आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिनेंस काउंटर्स वापस दिख रहे हैं और कल क्यूएसआर में दिव्यानी जुबिलेंट दोनों चल रहे थे, आज फिर से आपको जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है। और थोड़ी सी जो बिकवाली है बैंक्स वीक है, बैंक्स आपको कहीं ना कहीं थोड़े से ड्रैग रहे, प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए एक्चुअली बैंक्स में। देखिए ये तो खैर कमजोर होना ही था, लेकिन बैंक्स में कुछ बैंक्स लेके आते हैं जिनके बारे में हमने 8-9 में बात की और वो बैंक्स हैं जिनका गो एयर की तरफ एक्सपोजर है। क्योंकि अभी मैंने अंकुर से पूछा तो अंकुर ने बताया कि साहब ये जो बैंक है सेंट्रल बैंक बीओबी, इनका एक्सपोजर तो है, इन्होंने अभी तक प्रोवाइड फॉर नहीं किया, प्रोविजन नहीं किया था, लेके आई है सेंट्रल बैंक 5.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा, हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा की साइज ऑफ द बुक में 1500 करोड़ का एक्सपोजर इतना इश्यू शायद ना हो मेरे हिसाब से, लेकिन सेंटिमेंट रब ऑफ नेगेटिव का आ रहा है इसमें भी। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे है इंडिगो, लेके आई 6% ऊपर, 6% किसी का नुकसान किसी का फायदा। देखिए ये तो जमाना, ये तो भाई दुनिया ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं मार्केट शेयर छूटेगा यहाँ आएगा, तो ये भी एक्चुअली गो एयर का ही ये आ रहा है इम्पैक्ट बैंक्स पे आ रहा है।